हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज साक्षी। आई एम फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट एट ISIC मेट्रोलॉज हैदराबाद। सो गाइज, इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट ड्राउनिंग। सो ड्राउनिंग जो होता है आपका, वो क्या होता है? ड्राउनिंग सिंपली आपको मतलब पता है इसका, डूबना। ओके, सो ड्राउनिंग कैन बी ऑफ टू टाइप, ड्राई और वेट। एंड वेट के अंदर भी आपका दो टाइप है, बिकॉज वी नो दैट जो वाटर होता है वो दो टाइप का आपका होता है, फ्रेश वाटर एंड द सी वाटर। ओके, सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेट ड्राउनिंग को, देन विल डिस्कस अबाउट ड्राई। सो वेट के अंदर भी फर्स्टली विल सी द फ्रेश वाटर एंड देन विल सी सी वाटर। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेश वाटर में वी नो दैट वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट्स अगर कम है तो वहाँ पे हमारा कौन सा कंडीशन होगा? वहाँ पे हमारा हाइपोटोनिक कंडीशन होगा। सो फ्रेश वाटर इज अ हाइपोटोनिक कंडीशन। सो वी नो दैट जब एयर फ्लो करेगा तो आपका क्या पाथ क्या आएगा? आपका एयर वे आएगा, फिर आपका लंग आएगा, देन आपका फाइनली ब्लड कंपार्टमेंट आएगा। तो सिमिलरली जो हमारा फ्लूइड फ्लो करेगा, जो वाटर आएगा, फ्रेश वाटर जो आएगा, वो भी सेम पाथ को फॉलो करेगा बॉडी के अंदर आने के लिए। तो पहले वो एयर वे में जाएगा, फिर एयर वे से आपका लंग में जाएगा, लंग से आपका ब्लड में जाएगा। तो लंग से ब्लड में जाने के लिए आपका कौन सा प्रोसेस साथ में, कौन सा प्रोसेस को हेल्प करता है? तो हेल्प करता है आपका ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस क्या होता है आपका? सिंपली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, सो यहाँ पे लंग से ब्लड में आपका जाएगा वाया ऑस्मोसिस। क्या मूव कर रहा है आपका? आपका फ्रेश वाटर मूव कर रहा है। सो जैसे ही ब्लड में जाएगा, तो ब्लड में जाने से वहाँ पे क्या होगा? हीमोडाइल्यूशन की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो जब हीमोडाइल्यूशन होगा तो वहाँ पे हीमोडाइल्यूशन की वजह से वहाँ पे आपका हीमोलाइसिस हो जाएगा। हीमोलाइसिस क्या होता है? RBC का डिस्ट्रक्शन। सो वी नो दैट RBC के अंदर या कोई भी जो अपना सेल होता है उसके अंदर जो पोटेशियम जो होते हैं, मेरे इंट्रा सेलुलर जो कैटाइन्स होते हैं, वो रिच होते हैं। ओके, सो जब RBC का डिस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कैसी कंडीशन डेवलप होगी प्लाज्मा में? वहाँ पे होगा आपका हाइपरकैलेमिया कंडीशन डेवलप होगी। हाइपरकैलेमिया, वी नो दैट हाइपरकैलेमिया इज द कॉज फॉर द कार्डियक अरेस्ट। हमेशा याद रखना, अगर आपको नहीं पता है तो हमेशा याद रखना कि हाइपरकैलेमिया से आपका कार्डियक अरेस्ट होता है। सो कार्डियक अरेस्ट से आपका फाइनली आपका क्या हो जाएगा? पर्सन जो होगा उसकी डेथ हो जाएगी। सो दिस इज द कॉज। कॉज क्या है? कार्डियक अरिथमिया इज द कॉज फॉर द डेथ ऑफ द पर्सन इन द फ्रेश वाटर। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू सी वाटर। अब सी वाटर में क्या होगा? सी वाटर में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है, सो इस वजह से वहाँ पे कैसा वाटर होगा? वो हाइपरटोनिक होगा। अब उसमें क्या होगा? बेसिकली सोडियम पोटेशियम Cl- ये सारे आपके आयन्स होंगे, राइट? सो वहाँ पे आपका हाइपरटोनिक होगा, तो वो भी सेम पाथ को फॉलो करेगा, एयर वे, लंग एंड देन ब्लड। सो एयर वे से लंग में आएगा, राइट? लंग से जब ब्लड में जाएगा तो आपको पता है कि लंग के अंदर जो अभी वाटर जो है वो कैसा वाटर? वो हाइपरटोनिक है। लेकिन जो ब्लड है, ब्लड में जो वाटर है वो कैसा वाटर है? वो आपका हाइपो है। हाइपोटोनिक यहाँ पे है, हाइपरटोनिक यहाँ पे है। सो वी नो दैट कि जो ऑस्मोसिस होता है वो हमेशा कैसा होता है? लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा, सॉरी, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आपके आयंस कम है, तो यहाँ पे आपका जो वाटर है, तो जो आपका ब्लड है वहाँ पे आपका जो वाटर है वो हाई है, बट जो लंग है वहाँ पे आपका जो वाटर है वो कम है, बिकॉज यहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन है। सो क्या होगा? जो फ्लूइड होगा वो ब्लड से लंग में जाएगा, यहाँ पे उल्टा चलेगा, यहाँ पे ब्लड टू लंग होगा, बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ब्लड से लंग में, यहाँ पे लंग से ब्लड में जाता है, यहाँ पे ब्लड से लंग में जा रहा है। ओके, ऑस्मोसिस के थ्रू होगा सेम। तो जब फ्लूइड ब्लड से लंग में जाएगा तो लंग का जो आपको पता है प्लूरा होता है, वहाँ पे क्या होगा? जो उसका इंटरस्टीशियम होता है वहाँ पे ब्लड, वहाँ पे जो फ्लूइड है जाके एक्यूमुलेट होगा, तो इससे आपका पल्मोनरी एडिमा होगा। पल्मोनरी एडिमा से क्या होगा? आपका रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर से आपका जो पर्सन है उसकी फाइनली डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पाथ फॉलो होगा। जो हाई फ्रेश वाटर होता है आपका, उसमें आपका कार्डियक अरिथमिया की वजह से पर्सन की डेथ हो रही है, वाइल जो आपका सी वाटर है उसके अंदर जो डेथ का कॉज है वो आपका रेस्पिरेटरी फेलियर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ ड्राउनिंग, दैट इज योर ड्राई ड्राउनिंग। तो ड्राई में क्या होगा? जो पर्सन होगा आपका वो वाटर के सर्फेस पे होगा, तो वाटर जो होगा पहले उसके फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद आपका क्या आएगा? लैरिंग्स आएगा। लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वोकल कॉर्ड और वॉइस बॉक्स। ओके, तो वहाँ से आपका क्या जाएगा? फेरिंग्स से आपका लैरिंग्स में जब जाएगा तो लैरिंग्स में क्या होगा? आपका स्पैज़म होगा। तो उसके स्पैज़म से क्या होगा? आपका यहाँ पे एस्फेक्सिया हो जाएगा। एस्फेक्सिया की वजह से पर्सन की आपकी डेथ हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ द कॉज। ड्राई ड्राउनिंग में आपका क्या? एस्फेक्सिया हो जाएगा, जिस वजह से पर्सन की डेथ हो रही है। वाइल इन द केस ऑफ वेट, वहाँ पे दो चीज़ें हैं, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। तो फ्रेश वाटर में आपका क्या आ रहा था? कार्डियक अरिथमिया। एंड द जो आपका सी वाटर है वहाँ पे आपका कॉज क्या था?
पल्मोनरी एडिमा, दैट इज़ अ रेस्पिरेटरी फेलियर। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।